ये एक एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन है। तो कुछ इसका गो थ्रू समझते हैं पहले। जैसे आपने और सॉफ्टवेयर यूज़ की होंगी तो उन सॉफ्टवेयर की तरह ही यहाँ पर भी कुछ टास्क है। जैसे यहाँ पर है मेन्यूज कह सकते हैं, मैंने फाइल जो यहाँ पर वो सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो एक फाइल को सेव करने में, ओपन करने में, क्लोजिंग, फाइल से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस होंगे वो सब यहाँ पर मिलेंगी। तो हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी जितने भी हैं सारे ऑप्शंस फाइल से रिलेटेड यहाँ मिलेंगे। अब इसके बाद ये होम है, इसे हम बोलते हैं रिबन्स। तो ये हमारे रिबन्स हैं, ये सभी रिबन्स हैं। तो ये होम है, इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं एक्सेल में नॉर्मली वर्क करने के लिए वो सारे यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा इंसर्ट है कि कुछ भी हमें आइटम एक्सेल में इंसर्ट करना है, जैसे एक पिवट टेबल इंसर्ट करनी है, कोई इलस्ट्रेशन या कोई शेप, कोई आइकन वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पर से कर सकते हैं। इसके अलावा पेज लेआउट, तो पेज से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हैं वो इस टैब में मिलेंगे। जैसे एक थीम सेलेक्ट करना, पेज के मार्जिन वगैरह, ओरिएंटेशन सेट करना, ये प्रिंटआउट से रिलेटेड जो है वर्क जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो है यहाँ पर है। ये जो टैब है स्पेसिफिकली फॉर्मूलेज के लिए है, यहाँ पर हमें सभी तरह के फॉर्मूले यहाँ पर मिल जाएंगे। ये फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सभी फंक्शन कैटेगराइज्ड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लॉजिकल, टैक्स, टाइम, सभी फॉर्मूले यहाँ पर मिलेंगे। ओके, इसी तरीके से ये डेटा टैब है। तो ये अब हम कह सकते हैं कि ये एडवांस एक्सेल के लिए है। तो मॉडर्न एक्सेल में आपको ये मिलेगा, ओल्ड एक्सेल्स में ये नहीं है। तो यहाँ पर डेटा से रिलेटेड मोर पावर, मोर टूल्स जो दिए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यही जो टैब है जिसमें हम एडवांस चीज़ें करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं हाँ हमें ये एडवांस एक्सेल हमें आता है। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर टैब्स दिए हुए हैं, इन्हें ऑन और ऑफ भी हम कर सकते हैं। अगर हम फाइल्स में जाएं और फिर ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कस्टमाइज रिबन। तो यहाँ पर सभी आ रहे हैं वो जो उन सब टैब आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, हटाना चाहें हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डेवलपर टैब हटा देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब डेवलपर टैब्स नहीं आ रहे हैं।